जहां एक तरफ पूरा स्टॉक मार्केट लो की तरफ बढ़ रहा है, या फिर आप कह लो कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 50-60-40% तक करेक्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो हैवीली करेक्टेड हैं, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो 52 वीक हाई लगा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ऑटो सेक्टर के। आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हो, इट इज ट्रेडिंग एट 52 वीक हाई इंडेक्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है, और इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द ऑटो इंडस्ट्री, और it's time to wait. Let's talk about India's luxury car market, which is small yet growing. Last year, it's hoping to have a decent growth this year as well. So, सबसे पहले चार्ट से समझ लेते हैं। So, अगर आप निफ्टी ऑटो पे फोकस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास आ चुका है। ऑटो इंडस्ट्री 2018 के बाद से धीरे धीरे स्ट्रगल कर रही थी और अपने हाई से धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे थे, और कोविड के टाइम पे इसने बनाया अपना एकदम लो। So, इस पूरी स्टोरी को जानने के पहले हमें चलना पड़ेगा 2018 में कि exactly हुआ क्या था इस इंडस्ट्री के साथ, अभी तक ये इंडस्ट्री क्यों स्ट्रगल कर रही थी। क्या आपको पता है कि 85%+ जो गाड़ियां हैं वो लोन पे ली जाती हैं, यानी कि लोन अगर देना बहुत ज्यादा इजी है और NBFCs अगर अच्छे से लोन दे पा रही हैं, इसका मतलब है कि गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बिक सकती हैं, एक पॉसिबिलिटी है। यानी कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए NBFCs या फिर आप कह लो कि लोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और 2018 में यहीं से गड़बड़ होना शुरू हुआ था। एक्चुअली में 2018 में ILFS, आप में से काफी लोग को याद भी होगा, उस समय उस NBFC का बहुत बड़ा क्रंच हुआ था, बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारी फाइनेंसिंग रुक गई थी, और उसके बाद RBI ने NBFC सेगमेंट में बहुत सारे बदलाव करने शुरू हुए, और उन्हीं बदलाव का एक रीजन है कि आज HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड मर्ज होने जा रहे हैं। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप जाकर के उसको देख सकते हो। अब चूंकि NBFCs के इतने सारे प्रॉब्लम हुए उस वक्त, तो गाड़ियां जो थी उस वक्त इतनी ज्यादा बिकी नहीं, उसकी वजह से इन्वेंट्री के पाइलअप होने शुरू हो गए, ये एक रीजन हुआ। नंबर टू, उसी वक्त इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब आप एज अ बायर सोचो, एक तरफ फाइनेंसिंग नहीं हो रही है, दूसरी तरफ गाड़ियों के इंश्योरेंस कॉस्ट भी गवर्नमेंट बढ़ा रही है, उस वक्त GST को लेकर के भी काफी सारे बदलाव हो रहे थे, ये सारे फैक्टर्स ऑटो इंडस्ट्री को पीछे धकेल रहे थे। उसी बीच में एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, वो था BS6 इंजन को लेकर के, यानी कि जो पहले गाड़ियां बन रही थी वो BS4 इंजन पे बन रही थी, जबकि गवर्नमेंट के साइड से ये रेगुलेशन आया कि आपको BS6 इंजन को अब बढ़ावा देना है, और उसका रीजन था पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंट की सेफ्टी, यही उसका मेन रीजन था। अब चूंकि BS6 के आने से लोग भी कंफ्यूज हो गए कि यार BS4 लूँ कि BS6 लूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, जब BS6 आ जाएगा वो वाला इंजन ले लेंगे, BS4 को क्यों ही लेना है। और उस चक्कर में जो करंट इन्वेंट्री थी गाड़ियों की, यानी कंपनियों के पास, वो निकल ही नहीं रही थी, और उन्होंने उसके प्राइजेस गिराना शुरू किए कि चलो यार कम में बिक जाए, चलो यार कम में बिक जाए। और अगर आपने नोटिस किया होगा, 2018 में बहुत सारे राइड शेयरिंग ऐप यानी कि ओला और उबर भी अपने पीक पे ऑलमोस्ट पहुंच रहे थे, या फिर कह सकते हो कि मार्केट को कैप्चर कर रहे थे, और उसने भी जो एक कन्वीनियंस दिया था ना लोगों को कि क्यों अपनी खुद की गाड़ी खरीदनी है, यार ओला उबर भी अवेलेबल है, तो वो भी ऑटो इंडस्ट्री के फॉल में एक तरह से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे थे, खास करके पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। और एक और रीजन था, उस वक्त सेकेंड हैंड कार्स को लेकर के कार देखो और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट आ रही थी जहां पे लोग सेकेंड हैंड भी प्रेफर कर रहे थे, उनको एक ऑप्शन मिल रहा था, और सेकेंड हैंड कार की इंडस्ट्री उस समय डबल डिजिट में ग्रो कर रही थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के भी उस वक्त काफी बज बन रहा था कि यार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बढ़ावा देना है क्योंकि हम एनवायरमेंट को सपोर्ट देना चाहते हैं, और उसी दौरान बहुत सारे ऐसे शोरूम्स थे जो क्लोज डाउन भी हुए। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री 2018 के बाद से धीरे धीरे स्ट्रगल कर रही थी और अपने हाई से धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे थे, और कोविड के टाइम पे इसने बनाया अपना एकदम लो। लेकिन कोविड ने इसका बॉटम ऑलमोस्ट डिसाइड कर दिया कि ये तो अब इसका बॉटम हो चुका है। क्यों? क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स थी, चाहे BS4 BS6 इंजन का, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो चुकी थी, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी, एंड थर्ड NBFCs को लेकर के जो इश्यूज थे, जो लगातार उसमें चेंजेस आ रहे थे, वो सब नॉर्मलाइज हो गए, प्लस एक तरह से डिमांड भी वापस धीरे धीरे लौटने लगी। यहाँ पे मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बेस इफेक्ट है कोविड के टाइम पे, बेस इफेक्ट इतना छोटा हो गया, बहुत ही कम बिजनेस चला। अब उस बेस को देख करके अगर आप देखोगे तो आपको ग्रोथ ही दिखाई देगी, यानी कि ऐसा लगेगा कि यह ग्रो ही हो रहा है।
यानी कि जितना बुरा होना था इस इंडस्ट्री के साथ वो सारा का सारा बुरा हो चुका है। FMCG इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो ये लगातार ऊपर ही जा रहा है, तो इसके लिए 52 वीक हाई इज एक्चुअल 52 वीक हाई। सेम अगर आप बैंकिंग को देखोगे तो बैंकिंग भी इज कंसिस्टेंटली गोइंग अप। आप ऑटो इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो यस 2018 तक ये इंडस्ट्री ऊपर ही जा रही थी, बट उसके बाद इसके स्ट्रगल शुरू हुए एंड नाउ इट इज मैचिंग। सो एक्चुअली में ये 52 वीक हाई नहीं कहा जा सकता, इसको कहा जा सकता है कि यस ये अब अपने 2018 के लेवल पे आ चुकी है, यानी कि ये इंडस्ट्री ऑलरेडी इतनी पीटी जा चुकी है कि अब ये अपने नॉर्मल लेवल पे भी आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये 52 वीक हाई लगा रही है। वहीं अगर आप स्टॉक्स के फॉर्म में देखोगे तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा को आप देखोगे तो ये अपने 52 वीक हाई से एकदम क्लोज है, 52 वीक हाई एकदम नया 52 वीक हाई डेली लगा रहा है। वहीं आयशर मोटर को देखोगे तो ये भी अपने 52 वीक हाई के एकदम पास में, अशोक लेलैंड 52 वीक हाई के एकदम पास में, हीरो मोटोकॉर्प 52 वीक हाई के एकदम पास में, मारुति सुजुकी 52 वीक हाई के एकदम पास में है, TVS मोटर्स 52 वीक हाई। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो 52 वीक हाई के एकदम आसपास पहुंच चुके हैं, और वो आपने निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी फील किया कि क्यों ये इंडेक्स लगातार आगे बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट PLI स्कीम को लेकर के आई है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जहां पे वो इस इंडस्ट्री को पुश करना चाहता है। और ये PLI स्कीम कोई छोटे मोटे नंबर्स की नहीं है, तो अगर आप यहां पे डॉक्यूमेंट में फोकस करोगे तो यू कैन सी 74,000 crores का PLI स्कीम इस इंडस्ट्री में आया हुआ है, जहां पे लगभग 45,000 crore रुपया आने वाले 5 सालों में इस इंडस्ट्री को दिया जाएगा। और ये हो रहा है इस इंडस्ट्री के एडवांसमेंट के लिए, यानी एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के लिए, इवन EVs को लेकर के बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पुश कर रही है। अप्लीकेंट में अगर आप देखोगे तो अशोक लेलैंड ने किया, आयशर मोटर ने, फोर्ड इंडिया ने, इवन यू नो टू व्हीलर थ्री व्हीलर में भी अगर आप देखोगे बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, TVS, इन सब ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। PLI स्कीम जो है वो एडवांस केमिस्ट्री सेल, उसके लिए भी 18,000 crore रिजर्व किए गए हैं, एंड मोर इफिशियंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के भी इस PLI स्कीम में काफी ज्यादा जगह बनाई गई है। आप अगर देखोगे तो टैक्स में भी क्लियर कट छूट है अगर आप EV व्हीकल्स लेते हो तो जो एक डाउट था इस इंडस्ट्री को 2018 में, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो रही हैं। सबको क्लैरिटी आ रही है कि EV इज द फ्यूचर, और खास करके टू व्हीलर स्पेस को लेकर के अगर आप देखोगे तो नीति आयोग का कहना है कि 2027-28 तक हो सकता है 100% व्हीकल्स जो है टू व्हीलर वाले वो EV में कन्वर्ट हो जाए। 100% मैं तो कह रहा हूँ, 100% भी नहीं, अगर 40-50% भी होते हैं तो भी आप सोचो कि इस टू व्हीलर स्पेस इंडस्ट्री को, ऑटो इंडस्ट्री को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं इस इंडस्ट्री को जो पुश कर रहे हैं नए लेवल पे लेकर के जाने के लिए। और एक जो क्लैरिटी है यूजर्स के मन में वो भी आ चुकी है कि यार जो फ्यूचर है वो EVs है, तो हम EVs ही लेंगे। खास करके टू व्हीलर सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो EVs का पेनिट्रेशन जो है लगभग 4-5% ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में सोच रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, एटलीस्ट आप टू व्हीलर से स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे इस पर्टिकुलर बिजनेस का सक्सेस जो है पहले दिखाई देगा। फोर व्हीलर हो सकता है थोड़ा लेट आए, क्योंकि वो थोड़ा महंगा भी है, तो उसका पेनिट्रेशन हो सकता है थोड़ा स्लो हो, लेकिन टू व्हीलर में पेनिट्रेशन सबसे पहले होगा, सबसे फास्ट होगा। सो अगर आप टू व्हीलर स्पेस में देख रहे हो तो मे बी यू कैन कंसिडर हीरो मोटोकॉर्प, या फिर TVS, या फिर एक और बहुत छोटी कंपनी है वर्ल्ड विजार्ड मोबिलिटी, जिसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप यहां पे जाकर के उसको देख सकते हो। हां, अगर आप फोर व्हीलर में देख रहे हो तो EVs को लेकर के एक नाम बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है, टाटा मोटर्स, यस आप उसको कंसिडर कर सकते हो। इट्स अप टू यू, अगर आपको कन्वीनियंट लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो आप उसको धीरे धीरे इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो एज पर योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। और हाँ, ऑटो इंडस्ट्री के इस चार्ट को देख करके मैं एक चीज और आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट फॉर मिनिमम फाइव ईयर्स। अब आप सोचो, अगर 2018 में आपने इसका पास्ट परफॉर्मेंस देख करके इन्वेस्ट किया होता यहां पे इस पोजिशन पे हाईएस्ट पे, तो आपको 4 साल लग जाते रिकवर करने में, यानी नॉर्मल रिकवर करने में। तो आपको मिनिमम 5 साल अगर आप वेट करोगे, अच्छी इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे, तो आपका पैसा जरूर बनेगा। और हाँ, एक बात, सिर्फ एक बार में सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता। मान लो अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा, आपके पास अगर 1 lakh rupees है, आपने यहाँ पे ही सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आपको रिकवरी में 4 साल लग जाता। रिकवरी होती क्योंकि ये इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन 4 साल लग जाते। इसीलिए आदमी ट्रांचेस में करता है कि चलो यहाँ पे थोड़ा कर दिया, चलो यहाँ पे थोड़ा कर दिया, चलो यहाँ पे थोड़ा कर दिया, और थोड़ा यहाँ पे कर दिया। तो आपको
यहां तक की रिकवरी की वेट नहीं करनी पड़ती, हो सकता है यहां पे ही आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल हो जाता क्योंकि आपने ट्रांचेस में धीरे धीरे बाय किया हुआ है। इसीलिए चाहे आपके पास बहुत बड़ा लमसम अमाउंट भी हो तो भी आप उसको 8-10 पार्ट में तोड़ करके धीरे धीरे हर 3 मंथ में, 6 मंथ में, 5 मंथ में उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।